राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय से सोमवार को दो पहिया जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसको मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा कि नियम का पालन न करने से सड़क दुर्घटना में हजारों लोगों की मौत हो जाती है, जिससे मृतक के परिवार को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए सभी लोगों को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, तभी आने वाली पीढ़ी भी इसका पालन करेगी और निश्चित रूप से सड़क दुर्घटना में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय हेलमेट का अवश्य प्रयोग करना चाहिए तथा चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट तथा गाड़ी को तेज गति से नहीं चलाना चाहिए। इस अवसर पर SP ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला, संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन श्याम लाल, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवंतर प्रथम SP श्रीवास्तव, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वितीय BK सिंह, यात्री कर अधिकारी इरशाद अली सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह व CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा, समय बहुमूल्य है लेकिन जीवन अमूल्य, जिसका कोई मोल ही नहीं है उसकी तुलना क्यों करना। चाहे हम अपनी लापरवाही से जान गंवाते हैं या कोई भी तकनीकी कारण है, जब कोई क्षति होती है तो जो संख्या हम एक युद्ध में गंवाते हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि हम प्रतिवर्ष उससे कई गुना ज्यादा हम गंवा देते हैं। जहाँ हमारे इस वर्ष का आया कि 68 मौतें प्रतिदिन होती हैं हमारे देश में, ये आंकड़ा कैसे कम किया जाए। हमको सुरक्षित रहना है और इस कड़ी को हम इस अपनी स्कूटी रैली से आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ये स्कूटी रैली एक 50 महिला कितनी आई है यहाँ पे, उनका भी हमने एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व उनको दिया है और हमारे मुख्य अतिथि भी आपके उस अभिनंदन के लिए यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। इस क्रम में अपने एक्टिव प्रवर्तन BK सिंह सर, राष्ट्रीय कार्यक्रम 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम उद्घाटन के बाद से ये इससे शुरू हुआ है और बीच तक चलेगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से अजय जो मेरे साथ आ जाए हैं, वो हमारे मेहमान हैं और हमारे साथ पार्टनर कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट में, तो आज मैं उनको साथ ही लेके आ गया कि गवर्नमेंट सिस्टम में आप भी देखिए कि कैसे अवेयरनेस नर्व्स पे काम हो रहा है। तो ये जो प्रोग्राम रखा गया है, मैं इसको दो तीन चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जो भी हम गाड़ी ले रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं और उसमें स्पेशली जो हमारे टू व्हीलर्स हैं, वो अगर हम उसमें उसकी जो साथ में जो हमें डिफिकल्टीज या खतरों को नहीं जानेंगे, एहसास नहीं करेंगे और उसको चलाने लग जाएंगे, तो जो उसके बाद जो कभी दुर्भाग्यवश कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका जो लॉस है उस फैमिली को, उसका जो इकोनॉमिक लॉस है वो बहुत बड़ा है। इसीलिए हमें ये चीजें प्रोग्राम करने पड़ रहे हैं जो आपको एक नज का काम करते हैं और ये जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों को स्कूल में जब एक वैल्यू सिस्टम में इसके बारे में बताएं। बच्चों में ऑटो आना चाहिए। अब हम मान लो 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, अगर मैं जैसे मैंने बात की, मुझे मौका मिला, मेरे कजन्स बाहर हैं डेवलप कंट्री में, कनाडा अमेरिका, वो छोटे छोटे बच्चे जब यहाँ आते हैं तो जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं पहले बेल्ट खींच के लगा लेते हैं, मतलब अभी फर्स्ट क्लास में है सेकंड क्लास में। वो कल्चर हम में क्यों नहीं आ रहा, ये भी हमें सोचना है, क्योंकि वो बेल्ट जो है लाइफ को सेव कर, वो बच्चे कभी नहीं कहेंगे हमें आगे बैठना है, वो खुद ही पीछे जाकर बैठे। तो ये अगर हमारे कल्चर में ही आ जाएगा तो फिर हमें इस तरह के जो प्रोग्राम है वो करने की जरूरत नहीं। अब करना क्यों है, अब हमने बाइक ले ली, 2 व्हीलर ले लिया, हमने तो अच्छे के लिए, लेकिन अगर हमने हेलमेट नहीं पहना, ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो किए और उसके कारण कोई एक्सीडेंट होती है, तो वो परिवार का हाल पूछ के देखिए कितना नुकसान उसका होगा। और जो इंडिविजुअल जिसके साथ वो एक्सीडेंट हुआ, ये कहना बहुत आसान है कि चलो उसको मेडिकल एड मिल गई, उसका प्लास्टर लग गया,
लेकिन जितने जो बॉडी में स्पेयर पार्ट लगे हैं इसकी कीमत नहीं है, रिप्लेसमेंट भी नहीं है, कर जरूर लेते हैं लेकिन वो बात नहीं बताते। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसको जो गाड़ियां हैं ये हमारी प्रतिष्ठा का विषय ना बने, क्योंकि मैं बाइक चला रहा हूँ मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा भी मेरी प्रतिष्ठा डाउन हो जाएगी। तो हमें ये जो नियम बनाए गए हैं ये हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, हमारे परिवारों की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, ताकि कोई ऐसा लॉस ना हो इसको फॉलो करें। और जो ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जैसे डी एस पी ट्रैफिक खुद आए हैं और जब भी वो चलान करते हैं वो आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं, कि आप इसको समझिए कि ये कितना सीरियस विषय है। सत्य निष्ठा से यह शपथ लेते हैं कि हम यातायात संबंधी समस्त नियमों का पालन करेंगे, आयु पूर्ण किए तथा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किए किसी वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे तथा अन्य को भी प्रयोग के लिए प्रेरित करेंगे। हम खतरनाक ढंग से वाहन का संचालन नहीं करेंगे, हम व्यस्त नहीं करेंगे, हम वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये अच्छा गाड़ी बहुत बढ़िया, बहुत आज परिवहन विभाग की तरफ से सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हम लोगों ने 21 तारीख से 21 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हो चुका है। उसी क्रम में हम लोगों ने जनता को जागरूक करने के लिए महिलाओं की स्कूटी रैली स्टार्ट की है। आज हमने जो हमारे यहाँ पे हमारे ऑफिस से शुरू होकर डीएम ऑफिस से होते हुए सिटी हॉल से होते हुए वापस आएगी, इसका सिर्फ मकसद ये है कि महिलाओं को भी अपने स्तर से हम जागृत करना चाहते हैं, ताकि वो उनको भी सड़क सुरक्षा का एक नियम के प्रति वो अपने परिवार को और अपने आसपास के परिचितों को उनको सबको जागृत कर सकें और हमारे इस मुहिम में वो हमारा साथ दे सकें। इसलिए हमने आज दो स्कूटर रैली की महिलाओं को स्टार्ट किया। ये जो ट्रैफिक नियमों को लेके जो जागरूकता की रैली के लिए आज जो सप्ताह चल रहा है उसमें आज हमारे गोरखपुर प्रशासन की तरफ से आरटीओ डिपार्टमेंट और जो हमारे एसपी ट्रैफिक है जॉइंट एक प्रोग्राम रखा गया है, उसमें आज रैली अभी निकाली स्कूटी रैली, जिसमें जो संदेश दिया जा रहा है कि आप जो यातायात नियमों का पालन करिए, बिना हेलमेट के गाड़ी मत चलाइए टू व्हीलर स्पेशली, और जिस सीट बेल्ट का प्रयोग करिए, जहाँ रेड लाइट है उसका प्रयोग करिए, पार्किंग का प्रॉपर करिए, और एक शपथ भी दिलाई गई है, और ताकि एक मैसेज आए जो जो इसको यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो कम हो सके और जो हानि होती है उसके कारण उसको हम कम कर सकें।